अभी जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स है वो कौन सी होंगी हम चेक करते हैं मोनोसेकेराइड यूनिट्स यहाँ पर हम चेक करेंगे इस कार्बन के नंबर से यहाँ पर जितने भी कार्बन है प्रेजेंट हर मॉलिक्यूल में वो सब एटीन है और थ्री मोनोसेकेराइड है इसके अंदर मतलब एक एक के अंदर कितने कार्बन आइटम्स होंगे सिक्स एटीन डिवाइड बाई थ्री सिक्स तो सिक्स कार्बन आइटम का मोनोसेकेराइड होगा तो अब सिक्स कार्बन आइटम का मोनोसेकेराइड है तो इसका जनरल फार्मूला हम ले लेंगे ग्लूकोज का C6H12O6 जो कि एक सिक्स कार्बन मोनोसेकेराइड है तो जब ये मोनोसेकेराइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जब भी मोनोसेकेराइड ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऐसे यहां पर हमें तीन मोनोसेकेराइड्स को बॉन्ड फॉर्म करवाना है तो इसके अंदर क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं अगर हम यहां पर एग्जाम्पल ले एक यहां पर ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज हम अल्फा डी ग्लूकोस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और यहां पर भी इसी तरह ऑक्सीजन इसकी पायरेनोज फॉर्म है ये ऐसे यहाँ पर थ्री मॉलिक्यूल्स होंगे अगर हमें थ्री को करवाना है तो फॉर्म अ ट्राई तो हम यहाँ पर थ्री मोनोसेक्राइड यूनिट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर ये जो फर्स्ट कार्बन है यहां से हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का जो का फोर्थ कार्बन है इस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं यहाँ पर भी इसी तरह होगा कंडेंसेशन रिएक्शन और हम यहां पर सिर्फ स्केलेटल फॉर्म बनाएंगे यहाँ पर, यहां पर जो ऑक्सीजन रह गया है सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गया क्योंकि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया यहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया जहां पर बॉन्डिंग में चेंज आया हम सिर्फ वही बना रहे हैं ये जो ऑक्सीजन है ये इन दोनों कार्बन एटम्स को बॉन्ड करेगा ऐसे तो ये जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उस बॉन्ड को बोलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म करता है तो यहाँ पर ये सभी कार्बोहाइड्रेट है सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है बाय लूजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्राईसेकर फॉर्म हुआ है तो थ्री मॉलिक्यूल्स ने जब रिएक्ट किया है मोनोसेक्राइड यूनिट से टू वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं तो ट्राई है. तो में अगर हम एक मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला ले तो वो है सी सिक्स एच टिक्स तो सी सिक्स एच ट्वेल्स ओ सिक्स है और ये हमने थ्री यूनिट्स लिए हैं और माइनस कितना हुआ है माइनस हुआ है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू एच टू ओ तो अब जो ट्राई होगा उसका नंबर क्या होगा हमें देखना है तो यहां पर थ्री सिक्स एटीन तो कार्बन तो आएंगे एटीन क्योंकि यहां पर कार्बन लॉस नहीं हुआ है वाटर मॉलिक्यूल में उसके बाद है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन कितने हैं हाइड्रोजन है रह गए अब ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन कितने और वाटर मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन कितने टू वन टू तो एटीन माइनस टू 16, तो ये ट्राई सेकराइट का ऑप्शन ऑप्शन में में चेक करो ए गिवन है तो तो ये फॉर्मूलाइट तो का फॉर्मूला नहीं है इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है ऑप्शन बी है सी एटीन एच थर्टी टू ओ सिक्सटीन तो यही ट्राई सेकराइट का करेक्ट फॉर्मूला है इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट है ऑप्शन सी है सी एटीन एच थर्टी फोर ओ सेवनटीन तो ये भी इनकरेक्ट फार्मूला है ऑप्शन डी है सी एटीन एच थर्टी सिक्स तो ये भी इन करेक्ट है थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करे डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ